हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी रूम। दोस्तों, ये हमारा घटना चक्र का छठा वीडियो लेक्चर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, और इससे सारे घटना चक्र के सारे वीडियो आपको जो है इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित स्तूपों में से सही तैथिक क्रम क्या है? देखिए, यहाँ पे कुछ स्तूप दिए हुए हैं, अशोक के स्तूप दिए हुए हैं। देखिए, बहरूत स्तूप और सांची स्तूप और खमेर स्तूप, ये कौन अशोक ने बनवाया है? ओके, अमरावती स्तूप। तो ये तीनों में, बहरूत, सांची और खमेर में, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका कुछ काल निर्धारित नहीं है, ये कब बना हुआ। इसलिए ये क्वेश्चन को जो है पहले तो बहरूत आया होगा, यानी बहरूत, ये तीनों को एक नंबर पर रख लीजिएगा एंड देन अमरावती को रख लीजिएगा। ओके, अगर ऐसा कुछ है तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनात्यवाद सिद्धांत क्या है? देखिए, अनात्मवाद का सिद्धांत क्या है? देखिए, अनात्मवाद सिद्धांत क्या होता है, इसमें जो है आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा जो है वो क्षणिक है। ओके, तो इसका हो जाएगा भगवान बुद्ध के दर्शन की है, बौद्ध दर्शन का ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निर्णय का निम्न में से किससे संबंध है? सॉरी दोस्तों, मेरा जो है थोड़ा सा हिंदी थोड़ी सी वीक है, तो इसी कारण मुझे कुछ पढ़ने में दिक्कत आती है। तो आप इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, और आप इसमें कुछ से इरर को दूर कर लीजिएगा। ठीक, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो ये संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका ये निम्न से किससे संबंध है? ये जो है बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध धर्म ने क्या किया था, क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया था। देखिए, बौद्ध धर्म क्या, क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया था। क्षणिक मीन्स क्या, इस संसार में जो भी है एक क्षणिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का प्रतिपादन भगवान बुद्ध ने किया था। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी एशिया का पुंज किसे कहा जाता है? ओके, एशिया का पुंज जो है गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसे अर्नाल्ड ने लिखा था, यानी अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड ने लिखा था लाइट ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे एशिया की ज्योति पुंज कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, किसे कहा जाता है, भगवान बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया एशिया किस पे आधारित है? किस पे आधारित है? ये ललित विस्तार पे आधारित है। ओके, ललित विस्तार पे आधारित है। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? जो बौद्ध धर्म का जो है महायान हीनयान, जिसमें क्या कहते हैं, एक में महायान में मूर्ति पूजा होता था, हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होता। यानी महायान में भगवान बुद्ध को जो की मूर्ति को भगवान मान लिया गया, हीनयान में उसको नहीं माना। ठीक है, तो ये है, ये देखिए इसमें क्या, अहिंसा का बल, यानी हीनयान महायान दोनों में अहिंसा का बल दिया गया। ओके, और जाति रहित समाज, ये भी जाति रहित समाज है। स्तूप की पूजा, ये दोनों करता है स्तूप की पूजा। देवी देवताओं, यानी देवी देवताओं इसमें अंकलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? देखिए, चौथी बौद्ध संगति जब हुआ था कनिष्क के, तभी बौद्ध की मृत्यु हो गई थी। बौद्ध की मृत्यु, यानी इसमें टूट गया था, सॉरी, बौद्ध की मृत्यु तो पहली संगति में ही हो गई थी। कनिष्क जो था श्रीनगर में जो था, श्रीनगर में जो हुआ था बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति, उसमें है हीनयान और महायान में टूट गया था। तो ये जो है देवता पूजा, यानी जब भगवान बुद्ध की पूजा होने लगी, तो ये कनिष्क समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में पहली जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वह थी? भारत में सबसे पहले मानव प्रतिमाओं की पूजा जो की थी वह क्या था? वो जो था बौद्ध धर्म था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? मूर्ति पूजा की नींव किसने बौद्ध धर्म में रखी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में बहुत हुए प्रथम ब्रह्मोपदेश के संबंध के प्रवचन की मुद्रा क्या है? यानी जो भगवान बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश दिया था, उसमें कौन सा प्रवचन मुद्रा है बुद्ध का? ठीक है, तो वो जो है धर्मचक्र मुद्रा है, धर्मचक्र मुद्रा। देखिए, भगवान बुद्ध की कितनी मुद्राएं हैं, देखिए ये जो है मूर्तियां जो मिली हुई है उसके जो धर्मचक्र मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, अभय मुद्रा है, ओके, और वरद मुद्रा आदि है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? यानी भगवान बुद्ध की जो खड़ा हुआ प्रतिमा है वो किस काल में बनाया गया? वो जो है कुषाण काल में बनाया गया। नेक्स्ट में देखते हैं, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा भी दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा गया। इसका प्रतीक क्या है कि जो है ये जो है
मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। ओके, तो ये यानी मार, मार मीन्स क्या, मार मीन्स क्या, मार एक देवता है, मार क्या देखो, मार क्या है, कामदेव देवता। ओके, कामदेव देवता के यानी यहाँ पे कामदेव के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता साक्षी होने के लिए बुद्ध धरती को, धरती का आह्वान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ, सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, किससे संबंधित है, ये जो है गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट, गुप्त काल में ही क्या हुआ था, आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो खोज, जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ की भूमि स्पर्श वाली मुद्रा जो वाली बुद्ध प्रतिमा अलंकृत है किसको से, ये गुप्त काल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से शासक ने बौद्धि मत के विस्तार में योगदान दिया, बौद्धि मत के विस्तार में कौन सा शासक दे विस्तार नहीं दिया, सॉरी नहीं दिया, देखिए कनिष्क ने दिया है, चौथी बौद्ध संगति कराया था, अशोक ने भी किया, ये भी बौद्ध संगति करवाया, हर्षवर्धन क्या था, हर्षवर्धन ने भी किया है, और पुष्यमित्र सुंग जो था ये ब्राह्मण साम्राज्य था, इसलिए पुष्यमित्र सुंग जो है वो नहीं किया था। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित कर्तव्य पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही चुने। ठीक है, कुशीनगर मल्ल गणराज, यानी कुशीनगर कहाँ पे, मल्ल गणराज की राजधानी है, सही है, उसका बांतमा बूंद का महाप्रबंधन कुशीनगर में, दोनों सही है, बट कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कोई उस क्वेश्चन को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है, लोथल क्या प्राचीन गोदीवारा है, ये सही है, सारनाथ में क्या, सारनाथ ने पहला उपदेश दिया था, ये भी सही है, उसके बाद ये जो अशोक का सिंह स्तंभ, ये भी कहाँ, ये भी राज क्या सारनाथ में, ये राजगीर में नहीं है, नालंदा बौद्ध परिधम का महान पीठ। ओके, तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, सही है, ये गलत हो गया, यानी तीन नंबर से गलत आंसर हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, यानी क्या है, बौद्धिसत्व अवलोकेश्वर को, बौद्धिसत्व अवलोकेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कौन से भावी बुद्ध जो संसार रक्षा हेतु अवतरित होंगे, यानी बुद्ध ने कहा था कि मैत्रेय जो है ये आगे आने वाले जीवन में वो क्या करेगा, वो जन्म लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, बौद्धिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, वो प्रायः चित्रित है, कहाँ पर ये चित्रित है, ये अजंता के गुफाओं में, अजंता में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान अवस्था का शिलात्मक एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत कहाँ पर स्थित, शैलीकृत चैत्य गृह कहाँ स्थित है, ये जो है कार्ले में स्थित है, यानी हीनयान संप्रदाय जो कि भगवान बुद्ध के की मूर्ति पूजा नहीं करते थे बट उसके उपदेशों को मानते थे, ये जो चैत्यगिरी क्या है, चैत्यगिरी जहाँ पे पूजा स्थल है भगवान बुद्ध के, इसको क्या बोलते हैं, कार्ले में ये स्थित है, ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में किस शैलीकृत गुफाओं में 11 सिरों के बौद्धिसत्व का आंकलन, ये जो है कन्हेरी, ये कहाँ पर, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यानी आप मुंबई जाइएगा तो मुंबई में कनेरी है, कनेरी संजय गांधी नेशनल पार्क में है ये। ओके, नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क में, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको गिनती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, कौन सा बौद्ध भिक्षु को, नागार्जुन को, नागार्जुन किस दरबार में रहते थे, नागार्जुन जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते, कनिष्क ने क्या हुआ, चीन भेजा गया था नागार्जुन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले कौन थे, शून्यता का सिद्धांत जो था जिसमें कहा गया था आत्मा जो है वो क्षणिक है। ओके, क्षणिकवाद का सिद्धांत जिसने दिया था वो कौन है, यानी ये जो है नागार्जुन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, वो जो था माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था, उज्जैन नहीं था, वाराणसी भी नहीं था, गिरनार भी नहीं था, विक्रमशिला, ये कहाँ पे है, बिहार में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में है, कहाँ पे, भागलपुर में।
भागलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल्लवी विश्वविद्यालय स्थित है। बल्लवी विश्वविद्यालय जो है यह गुजरात में स्थित है। ओके, बल्लवी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग यह गुप्तकाल था। ओके, गुप्तकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया है? ओके, कौन किया? धर्मपाल या कुमार गुप्त? धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की खोज नहीं किया है। धर्मपाल के धर्मपाल ने क्या किया इसको पूर्ण जिसमें कुछ खर्च हुए थे, खर्च में उसमें कुछ सामान दिए थे यानी जमीन दिए थे। ओके, इसका जो विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त था। गुप्त वंश के शासक ने किया था? यदि कुमार गुप्त ने किया था। 101 नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका जो आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय जो है चिकित्सा विज्ञान के लिए नहीं था, तर्क शास्त्र के लिए भी नहीं था, यानी बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म दर्शन के लिए रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन।